मामले का मतलब जिसके सच्चे वाद को भी मिटा दिया आपने, और माँ का त्रिमलय का मतलब आजाद वाद से निवृत्त होकर सर्वनिष्ठा हो गई, ये वहां वास्तविक तात्पर्य है ना। ये चीज जो हम व्यावहारिक भेद भी मान रहे हैं, ये व्यावहारिक भेद को समाप्त कर दिया, इतनी वैराग्य होना चाहिए आप व्यावहारिक सत्ता को ही समाप्त हो गए आपके लिए। और जब आप भूकुमा मलय करने की बात कर रहे हैं तो मतलब है आपकी प्रातिभाषिक सत्ता भी आपके लिए समाप्त हो गई, एकमात्र पारमार्थिक सत्ता है उसमें थोड़ा सा आवरण बाकी है, वो तो मौका लय होने से वो भी समाप्त हो गया। उस दृष्टिकोण में जब भी हम इसलिए में मांडे के पुस्तक किस कार्यक्रम में आपने बता दिया स्पष्ट हो गया बात अभी, वो एक्चुअली वहां जो प्रयोग है इस तरह का स्वरूप लय करता हुआ आजादवाद में पहुंचाने के लिए अकऊ में ऊ को मोह में मोह को ये कहा जाता है। प्रासंगिक चलिए वापस इसमें अक्षर से सर्वात्मकत्वाद आत्मश्च अतथात्वाद कथम एकत्वम इत्याशंक्य हो भाई, अक्षर जो है सर्वात्मक है और जीवात्मा, पहले इस प्रकार कहते ना ब्रह्म के साथ अभेद जब कर रहे थे तब यही उसने कहा ब्रह्म तो सर्वात्मक है जीवात्मा तो शरीर में है। यहीं पर वही प्रश्न उठा रहे दोबारा दूसरे शब्द उड़ी आपने अक्षर तत्व लाया अभी ब्रह्म शब्द को हटा करके, तो उसे फिर उठाया अक्षर तो सर्वात्मक है और आत्मा तो परिच्छिन्न है एक शरीर संबद्ध है, तो फिर ये आत्मा और अक्षर का अभेद कैसे हो सकता है, ये प्रश्न उठाया। आशंका मानो की सर्वात्मकत्वम अक्षरात्मक अवशिष्ट इस आत्मा का भी आत्मनों भी सर्वात्मकत्वम आत्मा का भी सर्वात्मकता होने से अक्षर के साथ उसका अविशिष्ट कथन ना कोई गलत नहीं है। स्थावरम स्थावरम जंगमम चैव दृष्टित्वादि क्रियायुतम सर्वम अक्षरम एवातः सर्वस्यात्माक्षरम त्वहम स्थावरम जंगमम चैव दृष्टित्वादि क्रियायुतम सर्वम सर्वम की व्याख्या कर दिया दृष्टित्व आदि क्रिया योगम और ये कौन है स्थावर और जंगम ये सब के सब अक्षरमेव ये सब कुछ अक्षर ही है, अतः इसलिए सर्वस्य आत्मा अहम जिसलिए मैं सबका आत्मा हूं पहले सिद्ध हो चुका है सबका मैं आत्मा हूं और अक्षर भी क्या है ये सब कुछ हो रखा है इसलिए अक्षर ही है सब होने के नाते और सबका मैं आत्मा हूं अतः मेरा अक्षर से अपने आप अभेदित हो गया इसलिए है सर्वस्य आत्मा हम अतः अक्षरम इसलिए मैं अक्षर तत्व ही हूं। तरह स्थावर जंगमत्वेन सप्रपंचत्वं ब्रह्मात्मस्य फिर तो स्थावर जंगमत्वेन ब्रह्मात्मा का सपंच सप्रपंचता आ गई सप्रपंचता के कारण से द्वैत हो जाएगा कहते हैं इत्याशंक्य सर्व विशेष शून्य चिन्मात्र आत्म तत्व इत्याह वास्तव में आत्मस्वरूप कैसा है चिन्मात्र स्वरूप सर्व विशेष शून्य है कैसे जी वही समझा रहे अकारि शेष आत्मान मक्रियात्म क्रिया फलम निर्ममम निरहंकारम यह पश्यति स पश्यति अकार्य शेषम कोई कर्तव्य शेष नहीं है कर्म शेष नहीं रह गया ऐसा ये मेरी आत्मा है अकार्य शेषम आत्मा और कैसे है आत्मा अक्रियात्मक क्रियाफलम क्रिया रूप भी नहीं है क्रिया का फल वाला भी संबंधी भी नहीं है क्यों ऐसा है दो हेतु दे दिया निर्मम निरहंकार क्योंकि मैं निर्मम हूं और निरहंकार ऐसे जो आत्मा को देखता यह तादृशम आत्मान पश्यति स पश्यति ऐसे आत्मा का ही जो अनुभव करता है वही वास्तव में आत्मा का अनुभव करता है इस प्रकार श्लोक गीता में भी कई बार आया कार्य शेष का देखते हैं कार्य का अंग क्रिया का अंग ऐसे भी ले सकते हैं क्रिया का कर्तव्य शेष भी ले सकते हैं क्योंकि कार्यता का अर्थ होता है कर्तव्य क्योंकि
प्राभाकर मत को मूल्य यहाँ पर आगे भी आएगा, प्राभाकर मत को लेकर के कह रहे हैं कि प्राभाकर मत कार्यता कहते हैं, ठीक है। और इनके मत में क्यों कार्यता का तात्पर्य होता है वहां कृत्य साध्यता, आपके अगर कृत्य साध्य फल स्वरूप प्राप्ति करने के लिए तो लेते हैं। इससे कार्यशेष का मतलब कि आपके अंदर कोई कर्तव्य विशेष है, कर्तव्य विशेष इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे अंदर हम यदि मैं नाम कोई चीज होता उसका कोई कर्तव्य बनता, यह मुख्य रूप से हो जाता है। और ऐसे कार्य से कर्म ले लो, कर्म विशेष भी नहीं हो सकता, कर्तृत्व है ना कर्मांग भी नहीं बनेगा। जैसे विमान समय कुमार भट्ट का मत में है, कुमार भट्ट ही कहता है भाई कैसे सिद्ध हुआ मैं आत्मा करता हूँ, कहीं तो कहा ही नहीं, विधि में कहीं आया स्वर्ग काम है जब तक कर दिया, स्वर्ग काम है तो असौ स्वर्ग काम करके आप उत्पत्ति कर दी, प्रत्यार्थी वहां पर आप मानते हैं नहीं है ना, तो जब तो प्रत्येक कर्तार्थ भी नहीं मानते हो नहीं, वो तो भावना अर्थ प्रदान है उनके यहाँ, तो व्यापार अर्थ में ले रहे हैं। जब भावना अर्थ में आया इसका मतलब है कि भाई फिर कर्ता कहाँ से हुआ, तो अर्थ संग्रह में स्पष्ट करे आक्षेप लभ्य शब्द प्रयोग किया उन्होंने, आक्षेप लभ्य क्योंकि बिना कोई कर्ता क्रिया साध्य नहीं है, अतः कार्यशेष का मतलब हो जाता है क्रियाशेष, क्रियाशेष का तत्व क्रिया का अंग रूप आत्मा कर्तृत्व यहाँ ऐसे भी वहाँ लेते हैं। होगा तो भी अहम होगा तभी संभव, नहीं तो भी संभव नहीं है, चाहे कर्म शेष कहो चाहे कार्य शेष से कृतिशेष ले लो कर्तव्य शेष ले लो, किसी रूप से लेंगे तो कर्तृत्व आएगी, कर्तृत्व संबंध होता है अहंकार से, निरंकार होने से सारा समाप्त होगा। निर्मम होने से फल संबंध नहीं, फल संबंध नहीं आ गया ना, कर्म फलम क्रिया फलम को जो ममत्व न होने से क्रिया का फल का जो संबंध जो हमारा नहीं रहता, निर्ममत्व ऊपर आएगा। क्रिया कर्म फल ये जगत है, संबंध नहीं मतलब कुछ भी मेरा नहीं है, अब कुछ हाँ ममत्व का निषेध से यही तात्पर्य हो गया कि सब कुछ आप में है, प्रपंच आपके है, सर्वात्मा नहीं आप सब प्रपंच ब्रह्म हो गए, ब्रह्म में ही प्रपंच मान रहा था, सब प्रपंच है करके प्रपंच उपाधिक ब्रह्म और उपाधि और उपहित को लेकर के द्वैत की संभावना, अब आपने सर्वोपाधि निषेध कर दिया कि उपाधि के रास्ता क्या कर्तृत्व और ममत्व, अहंता ममता ही उपाधि संबंध बोधक बनता है, जब अहमता अहमता का निषेध हो गया मैंने सर्वोपाधि का निषेध हो गया, सर्वोपाधि निषेध होने मात्र से अन्य जितने भी संबंधित वस्तु होते हैं शेषत्व में ग्रहण हो चाहे फल संबंधित ग्रहण होगा वो भी सब अपने आप निषेध होगा। मैंने उपाधि विशिष्ट हम ब्रह्म को कह भी देते हैं तो भी उपाधि का उस ब्रह्म के साथ वास्तव में कोई संबंध नहीं है, कारण क्या है उपाधि आरोपित है, यदि सत्यत्व हम उपाधि का स्वीकार करते हैं तब सद्वैत हो जाएगा वो, नहीं तो अद्वैत ही रहता है। अगले श्लोक और स्पष्ट करेंगे, देखिए कहते आत्मविदोपी कर्म अभिगमत आ गया ना, आत्मविदोपी कर्म अभिगमत, आपने कैसे कह दिया कार्यशेष नहीं है, जैसे कार्य से हमने कर्म इसे ले रहे थे, कार्यशेष कहने से आप कैसे नहीं है कह देते हो, कोई कर्म का अधिकारी नहीं है कर्तव्य विशेष नहीं है कैसे आपने कह दिया, क्योंकि आत्मवेत्ता को भी कर्म स्वीकार किया गया, अस्थि कार्यशेषत्व आ गया ना सर, अस्थि कार्यशेषत्व इत्याशंका तब कहते नहीं नहीं मम अहंकार यत्नेच्छा शून्य एव स्वभावतः, आत्मनीति यदि ज्ञातम् आद्धम स्वस्था किमीहितैः, यदि इदम ज्ञातम् यदि आपने जान लिया क्या जाना ममत्व अहंकार यत्न इच्छा ये सब के सब आत्मनि स्वभावत एव शून्य स्वभाव से ये सब है ही नहीं, ममत्व भी नहीं है अहंकार भी नहीं है, अतएव यत्न और इच्छा भी नहीं है कि जानाती इच्छती है तथे है कि नहीं, जान रहा हूं मैं अपने आप को वस्तु को जानूंगा तो वहां पर इच्छा और इतना भी होगा, लेकिन मैं जान रहा हूं किसको आत्मा को, इसलिए अब यत्न और इच्छा नहीं रहेगा, स्वभिन्नत्व किसी को भी जानेंगे हम तब यत्न इच्छा मानी जाएगी, लेकिन हम जान रहे किसको ज्ञातम यदि क्या जाना आपने आत्मनी क्या आत्मा में कभी इन सब के अभाव को स्वभाव से इनका अभाव है स्वभावतएव मन नित्य एव अभाव इनका, अतएव आद्धम स्वस्थ किम हित लक्ष्य भूत आद्य से तात्पर्य अद्व कदम मार्ग को मार्ग अगर प्रापणीय वस्तु अध्वम आस्तु आस्तु
अध्यस्य अध्ययन प्रापणीयम इति आद्धम। किसी भी श्रेय मार्ग प्रेय मार्ग का प्रापणीय जो लक्ष्यभूत फल है उसका नाम आद्ध होता है। ऐसे बनाने में कोई आपत्ति नहीं। आज धातु से बनेगा आपका लोट लकार में मध्यम बहुवचन, ये भी बनता है, आद्धम लकार बन जाएगा। आस 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 उपवेशन है मध्यम का बहुवचन में, आस उपवेशन है तो आद्धम बनेगा, ले सकते हैं। आगे किम ही तय से जोड़ना है ना, ये तय किम भवती मार्ग का फल प्राप्त, मैंने आत्मज्ञान का जो फल है मुक्ति प्राप्त हो गया, अतएव स्वस्थ स्वस्थ में तिष्ठ दीदी स्वस्थ स्वस्थता किम ही नहीं, ऐसे भी ले सकते हैं। और भी लेने में कोई दिक्कत नहीं आ पाएगा, घटा सकते हैं। स्वस्थ आद्यम आद्यम यथा स्वस्थ, स्वस्थ होने के नाते स्वरूप स्थित होने के नाते वो स्वरूप में बैठ गया, पुनरावृत्ति जैसे लगता है आस उपवेश में लेने में थोड़ा ही कठिनाई होती है कि स्वस्थ का अर्थ ही हो गया स्वरूप स्थित है, फिर आद्यम का अर्थ कहाँ बैठा आसन इससे ज्यादा बेटर रहेगा। अध्ययन प्राप्त प्रापणी मिति अध्ययन के द्वारा जो प्राप्त है मैंने ज्ञान मार्ग से चलकर जो प्रापणीय था वो मुझे प्राप्त होने से मैं स्वस्थ स्वस्थ में अगर वो स्थित होने के कारण अगर किम कर्म आदि से क्या लेंगे देखिए इन्होंने क्या लिया नीचे में अध्यम इन्होंने अध्यम को छोड़ते ही नहीं छोड़ ही आत्मस्वरूप अनुभव अनुरोधात आत्मनि मम अहंकारादि नाम सत्व ज्ञाते, आत्मस्वरूप का अनुभव के अनुरोध से आत्म में क्या है मम अहंकारादि नाम सत्व ज्ञाते तेनैव ज्ञानेन उसी ज्ञान के द्वारा कृतकृत्यत्वात् कर्मणां विफलत्वात् आत्मन तच्छेषत्व असिद्धि इत्यर्थः, इदात तच्छेष नहीं हो सकता। ये तात्पर्य देह व्यतिरिक्त आत्मदर्शिन सर्वेश पारलौकिक कर्मेश अधिकार गगमाद अस्ति आत्मविदोपि कर्मशेषता। त्रिपुर पक्षी कहता है देह से भिन्न आत्मा है ऐसे मानने वाला जो कोई भी हो उसको तो सकल पारलौकिक कर्मों में अधिकार बन जाता है, इसीलिए आत्मवेत्ता भी शरीर से भिन्न आत्मा मान रहा था आपको अति ये भी अधिकारी हो जाएगा। तस्य आत्मित्व भावात्मक मिथ्यालयन वास्तव में दोनों प्रकार के लोगों में अंतर है। शरीर आयुष आत्मा है इतना मानने वाला और शरीर आयुष आत्मा मैं ही हूँ ऐसे मानने वाले में दोनों में फर्क है। शरीर आयुष आत्मा है तीनों आत्मा गमनागमन वाला है ऐसे जो मानेगा वो कर्माधिकार वाला हो जाएगा। शरीर से आदि से भिन्न आत्मा है इतने मात्र से ही वो वेदांती नहीं माना जाएगा। नहीं आज भी कहता है शरीर से बिना आत्मा, निमांत्र भी कहता है शरीर से बिना आत्मा, योगी भी कहता है शरीर से बिना आत्मा है, इन्हें सब इन वेदांत से बहुत दूर है। देह से भिन्न आत्मा मानने मात्र से ही कर्माधिकारी ये व्यवस्था आपका ठीक नहीं, क्योंकि देह से भिन्न आत्मा है मानने के बाद उस आत्मा का स्वरूप क्या मान रहे हो, क्या गमनागमन वाला है या और नित्य नित्य शुद्ध सब मान रहे हैं उसको क्या मान रहे हैं। गमन आगमन वाला मानते हैं तो कर्माधिकार माना जाएगा और नित्य शुद्ध मानेंगे तो कर्माधिकार नहीं। ये व्यवस्था को लेकर जवाब देंगे। देखिए योहं कर्तारम आत्मानम तथा वेत्तारमेव च, वेत्यनात्मज्ञेयवासो यो अन्यथाज्ञ स आत्मवित्। यो अन्यथाज्ञ अन्यथा जानने वाला, अन्यथा अज्ञान ही निकलना है, अन्यथा ज्ञ जो ठीक इसके विपरीत जानने वाला है वो आत्मवित है। कैसे जानने वाले पर आत्मवित नहीं है, कहते अनात्मज्ञ कौन है, कहते यो अहंकर्तरम आत्मा वेत्तरम एवं व्यक्ति जो आत्मा को
अहं कर्ता वाला मानता है, जो आत्मा को सब वस्तुओं को जानने वाला मान रहा है, कर्तृत्व वेतृत्व में वेतृत्व से लक्षित भोक्तृत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व को जो मान रहा है आत्मा में, वो आत्मदेह कभी नहीं हो सकता। ऐसा अनात्मज्ञों के लिए ही अंतकरण शुद्ध्यर्थ कर्म अधिकार बनता है। और ठीक जो अन्य था जो ठीक विपरीत जानता है, अर्थात कर्तृत्व भोक्तृत्व वेतृत्व आदि से रहित आत्मा ऐसे जानता है, सो आत्मित्व ही आश्रित होगा। उन्हें और रस करना पड़ेगा, वेद्यनात्मज्ञ वेद्यानात्मज्ञ हो गया, बात सही है। वो पाठ रस कर रहे हैं लेकिन दिल है, यहाँ रस बनाना पड़ेगा। चकिका में कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रमातृत्व आत्मान जानन आत्मज्ञो न चेत, जो व्यक्ति कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रमातृत्व दर्शित श्रोतृत्व आदि आदि आत्मा में मान लेता है, वह जानता व्यक्ति यदि आत्मज्ञ नहीं है, कर कहाँ से आत्मविद्य आत्मविद्य कौन है, ऐसा आशय करके यो अहंकर्तृ आदि साक्षिणाम आत्मान व्यक्ति, जो अहंकर्तृत्व आदि का भी जो साक्षी है उसको मैं आत्मा करके जो जानेगा, बहुत आत्मविद्य क्या आत्मा चेत अहंकारा अतिरिक्षते तरी तस्मिन्ना कथम कर्तृभोक्तृत्व प्रथा, यदि अहंकार आदि से अतिरिक्त है यह आत्मा, फिर इस दुनिया में जो लोग आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रमातृत्व आदि क्यों मानते हैं, ये प्रथा कहाँ से आ गई, कैसे प्रसिद्ध है प्रचलित बात है। तथा यथा नित्ये पितादात्म्यम देहादिश्वात्मनो मतम, तथा कर्तृ अविज्ञानात् फल कर्मात्मतात्मनः, यथा अन्यत्वेपि तादात्म्यं, जिस प्रकार शरीर आत्मा से अलग है, ये सब समझ भी रहे हैं, ये मूढ़ाति मूढ़ अज्ञानी से भी अज्ञान आदमी यही कहता है, जब पिता गुजर पिताजी का आत्मा चला गया स्वर्ग गया, हर आदमी कहता है, गंवार भी कहता है, मैंने तो जान रहे ना गंवार भी शरीर से भिन्न आत्मा है, वो जाने आने वाला है, फिर भी शरीर में आप तो बुद्धि भी कर लेता है व्यवहार काल में ताजा तो व्यस्त कर ले रहा। यह शरीर आत्मा का अलग है जानते हुए भी शरीर का आत्मा के साथ ताजा अध्यास जैसे कर लिया है अज्ञानी ने, ठीक उसी प्रकार से आत्मा से कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि अलग है जानते हुए भी उसका उद्देश्य का ध्यान कर लिया है। यथा अन्यत्वेपि देहादिषु आत्मनोत्तादात्म्यं मतम, जिस प्रकार से अन्यत्व हर व्यक्ति में प्रसिद्ध है, फिर भी इन देहादियों में आत्मा का तादात्म्य स्वीकार किया हुआ है, यथा तथा अकर्तुर अविज्ञानात्, ये आत्मा अकर्ता है अविज्ञान आत्मा है इत्यादि जानते हुए भी फल कर्मात्मता आत्मनः, आत्मा में फल कर्म आदि की यह आत्मध्यास कर लिया गया है। टीका में आत्मनो देहादि में वस्तु तो अन्यत्व भी आत्मा देहादियों से वस्तु तो अलग होने पर भी तेज तादात्म आध्यात्मिकम यथा भी मतम, उनमें आध्यात्मिक जिस प्रकार से मान लिया है ठीक उसी तथैव अकर्तुर अभोक्तुर अपरिज्ञानाद, यह आत्मा अकर्ता है अभोक्ता है, वहां जानते भी कर अंतरित रही है, वहां जानते हुए भी शरीर अलग है जानते भी हुआ या नहीं जानता है, आम आदमी नहीं जानता है आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं है, न फिर भी अकर्ता भोक्तृत्व का अपरिज्ञानाद अहंकार अध्यास द्वारा, पहले अहंकार को उसने अध्यास कर लिया, तद द्वारा कर्तृत्व भोक्तृत्व दृष्टित्व मंत्र को सारे चीजों का अध्यास कर लेता है, वो करता है भाति करता है। अहंकार अविवेकाद आत्मनि कर्तव्य भ्रांतरित्युक्तम, कहने का तात्पर्य इस अहंकार का आत्मसत अविवेक के कारण से ही कर्तव्य भोक्तृत्व आदि का तात्पर्य अध्यास हुआ है, ये आपने कहा। सवृत्तिक से अहंकार से आत्मच्छ व्यतिरेक असिद्ध है, लेकिन व्यवहार में हम यही अनुभव कर रहे हैं सवृत्तिक अहंकार का आत्मा से भिन्नत्व ही
अनुभव में कभी आता नहीं। अहंकार को छोड़ के केवल मैं जो साक्षी का अनुभव करना, क्योंकि आप ध्यान में बैठे तो भी दिन में दिमाग में रहते मैं बैठा हूं, मैं ध्यान में बैठा हूं और मैं साक्षी भाव में बैठ करके सारे वृत्ति आता जाता वो को देख रहा हूं, वहां भी वो अहंकार आते वृत्ति एक साथ बना हुआ है ना, स्वृत्ति का अहंकार वहां पर जाता हुआ बना हुआ, और केवल साक्षी भाव में हो और अहंकार रहित अवस्था हो, समाधि में ही संभव है। और जिसे समाधि अनुभव नहीं किया वही यहाँ पूरे पक्ष से तो कह रहा है प्रश्न उठा रहा है, ये कैसे आप सिद्ध कर सकते हो अहंकार और आत्मा अलग अलग है, पृथक वस्तु है और उसमें से एक मिथ्या एक सत्य है, ये सिद्ध कैसे होगा? तब समझा रहे दृष्टि श्रुति मतिर ज्ञात ही स्वप्ने दृष्टा जनहि सदा, तासाम आत्मस्वरूपत्वाद् अथ प्रत्यक्षतात्मनः। बस ऐसे जहाँ प्रसंग आता है इनका स्वप्न में छलांग मारने पड़ती है, और रास्ता ही नहीं वेदांत की बात, जागृत में किसी प्रकार से समझाए अहंकार रहित आत्मा मुश्किल है, इसे कहना पड़ता है स्वप्न दृष्टान लेना पड़ता है। स्वप्न काल में अहंकार था, दृष्टि थी, स्मृति थी, मति थी, सारी स्वप्न दृष्टा जनहि सदा, स्वप्न में सदा आलोम के द्वारा अनुभव होता है, तासाम आत्मरूपत्वात् उन सबका आत्म स्वरूप ही आप होते हैं, जो भी देख रहा है उन सबका आत्म स्वरूप वास्तविक रूप आप ही हो जाते हैं, अतः प्रत्यक्षता आत्मन ऐसे स्वप्न में ही इन अहंकार आदियों से अलग करके आप आत्मा का स्पष्ट प्रत्यक्ष कर लेते हैं, अत्र ही वैसा स्वयं ज्योति ही, ऐसे इस रमा प्रकरण में पढ़ा नया प्रदान में कि स्वप्न में ही अपनी स्वप्रकाशता सुस्पष्ट होता है, अहंकार से भिन्नत्व स्वप्रकाशता स्पष्ट अनुभव में आता है। दृष्टियादिराम शांत करणानाम साक्षी विद्यता, दृष्टि आदि जितने भी हैं अंतकरण सहित ये सब क्या है? साक्षी वेद्य है, तथो व्यतिरेक साक्षर स्वप्न सिद्ध थी, इसलिए उन सबसे अलग साक्षी स्वप्न में ही सिद्ध होता है। दृष्टियादि नाम अंतकरण सहित नाम दृश्यत्व ना, दृष्टियादि जितने भी और अंतकरण सहित दृश्य होने के नाते तब साक्षर व्यतिरेक मुक्ता, उसके साक्षी को व्यतिरेक देखा गया है तो सुषुप्त दृष्टियादिनाम अज्ञान आत्मात्रत्व है ना, और वही जाओ कहाँ चला जाओ? सुषुप्ति में। सुषुप्ति में क्या हो जाता है? कहते सत्य सब लोपी हो जाते हैं, दृष्टियादिनाम अज्ञान आत्मात्रत्व है ना, अविद्या मात्र रूप हो जाता है, अस्तम्याद अद्विशेष तस्य परोक्ष चिन्ह मात्रत्व उपपत्ति है, वहां जाकर और स्पष्ट होगा अपनी स्वरूप का अद्वितीय सुभतो व्यतिरेक अत्या, इसलिए इन सब का व्यतिरेक अनायास ही सिद्ध हो जाता है, सुगत आयासान थी कद अहम कर्तृ व्यतिरेक आपादन न तत्साक्षण ब्रह्मत्व आपादन को लाभ, इतना जो है आप जोर लगा रहे हैं इन सब से आत्मा को अलग सिद्ध करना है, और आत्मा ही ब्रह्म है, वो आत्मा ही अक्षर है, ब्रह्म के साथ अभेद अपने आप को, अक्षर के साथ अभेद अपने आप को, ये सब सिद्ध करने का क्या लाभ? इत्याशंक्य परलोक संबंधी भयाभाव मृत्यु भयाभाव चित्त, दो प्रकार का भय का भाव, परलोक आदि का संबंध भाव, क्योंकि परलोक में जाएंगे तो लौटना पड़ता है, खर्चा हुआ वापस लौटो, ये तो होता है ना, महात्माओं के दर्शन नहीं तो जहां भी जाओ दक्षिणा मिलते ही रहता है, खर्च और फिर भी आ रहे हैं, वैसे गृहस्थी कहाँ से लाएगा, जहाँ जाएगा तो वहाँ तो खर्च ही होना है, आजकल तो एटीएम हो गया वहाँ भी मुझे निकाल सकते हैं, कितना निकालेगा, एटीएम में भी खत्म होना ही है, खर्चा हो जाएगा, ये पुण्य भी खर्च होगा, छीने पुण्य नौ कमीशन भी कहा है, इसलिए परलोक संबंध का भी भय है कि वहां से लौटना पड़ेगा, और मृत्यु का भय तो सदा सता आता ही है, विविध भयाभाव ज्ञापकम दर्शयती, जिस भयाभाव रूपी फल को बोध कराने वाले को बात प्रदान करने जा रहे हैं, परलोक भयम यस्य
नास्ति मृत्यु भयं तथा परलोक भयं यस्य नास्ति मृत्यु भयं तथा तस्यात् तज्जस्य शोच्यास्यो स ब्रह्मेन्द्र अपीश्वराः परलोकभयं यस्य नास्ति तथा मृत्युभयं च यस्य नास्ति तस्यात् तज्जस्य ब्रह्मेन्द्रापीश्वरापि सन्तोऽपि शोच्या एव शोचनीयः। कहते उनके दृष्टिकोण में तो ये भी शोक के विषय बन शोचनीय और दया के पात्र बन जाएंगे। विचार है उनको देख कर दया आती है आत्मज्ञानी को, ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी अब कितने लाखों सालों तक बेचारे ये भी बंधन में ही अपने काम करते पड़े रहेंगे। परलोक भय और दोनों के नाय ऐसे आत्मज्ञानी के दृष्टिकोण में आत्मज्ञ तत्व दृष्टि है। ईश्वरापि स ब्रह्मेन्द्रः शोच्यास्य हो कृतार्थत्वेन प्रसिद्धः ब्रह्मेन्द्रादयोपि यद्यपि कृतार्थ करके प्रसिद्ध है ब्रह्मा जी विष्णु शिव सब इंद्र वगैरह सब जीवन मुक्त हैं कृतार्थ हैं फिर भी यदा शोच्यत्वेन आत्मविदो ज्ञायन्ते तदा तस्य उभयोर अभाव अधिगतृत्य जब वे भी शोचत्व न आपको निश्चय हो जाए इसलिए कदर जब ब्रह्म पद ब्रह्मा का पद भी शुक्र विष्टा तुल्य वैराग्य हो जाए तब वास्तविक भक्ति होती है। नहीं यहाँ तो कोठारे पद के ही लालच रहते हैं तो क्या मुक्ति होगी ऐसे लोगों की। ये तो भी छोड़ दे ये मिले तो इस सेवा भाव से ठीक है भाई गुरु की सेवा मान के सेवा कर लिया जितना कर सकते हैं पदांगर न रहे बड़ा कठिन काम होता है। हमें जो ब्रह्म सोचनी है वैसे युग तो योगी भी बन गए थे सब जाने युग के सारे जितने भी प्रकृति ले विदेह वाले जितने भी हो तो सब जो टॉप के किनारे तो नीचे को क्या कह रहे हो नीचे तो वही है सब स्वच्छ है तो संशय नहीं हो जितने रुद्धि सिद्धि वाले सब स्वच्छ ही है। अशोच्य तो एक ही आत्मा है ना भाई अशोच्यानंदोच्यम प्रज्ञावाद से अशोच्य तो एकमात्र आप आत्मा है बाकी सब शोच को किए तदा तो उभयोर अभाव अधिगति इत्यर्थ तभी जाकर के परलोक भयाभाव मृत्यु भयाभाव दोनों की अधिगति होती है इत्यर्थ हो तब पूर्व पक्ष खड़ा हुआ आप ईश्वर को शोच कैसे कह देते कैसे वेदांति हैं आप न तेषां शोचत्वं प्रार्थनीयत्व बल्कि उनसे तो नित्य रात दिन रात आशा करते रहते हाथ जोड़ते रहते आरती करते महम जाते हो वो फिर भी कहते हो कैसे सोचते हैं कित्यासिंग अरे ब्रह्मविद तत् प्रार्थना भाव आदमी नित्यावत ब्रह्मता के लिए कोई प्रार्थनीय है ही और एक संस्कार वसा प्रार्थन से वो मान लेते हैं शरीर मान लेने से प्रश्न उठते हैं ब्रह्मता का शरीर होता है वो जीवन मुक्त होता है जीवन मुक्त अवस्था पूजा पाठ कर रहा है संस्कार वसात वो मेहमानादि जाता है आरती में चला जाता है शरीर मान लेने से सब लफड़े उठते हैं प्रश्न उठते हैं तो प्रश्न ही कहाँ है सद्यो मुक्त प्रश्न ही नहीं है ब्रह्मित ब्रह्म ही हो गया फिर उसके बाद प्रार्थना की कि नहीं कि क्या हो रहा क्या नहीं कौन जाने वो तो ब्रह्म हो गया। अभी प्रश्न करने वालों के अंदर यही है कि जो जो मुक्ति मान लेते हैं शरीर मान लेते हैं प्यार कर रहा है शरीर है ईश्वर उसको संचालन कर रहा है और ईश्वर की वो संचालित काल प्राप्त करने साथ वासना पूर्व जन्म जन्मांतर की वासना है तो अपना आरती पूजा पाठ करता है जो भी जिस किसी भी हिसाब से है उसका उसको चक्कर शंका होता है कि ब्रह्मता भी प्रार्थना करता है। एक बार ऐसे ही होता था यहाँ कुछ महात्मा उठपटांग आ जाते हैं कभी कभी बाढ़ आती है गंदा आ जाता है तो कभी कभी यहाँ भी बाढ़ आ जाती इस तरह की महाराज जी हम लोग पढ़ रहे थे उस समय की बात है महाराज जी आरती में नहीं आते तो हम क्यों जाए महाराज जी आरती में नहीं आते हमें जाएंगे ऐसे कुछ लोगों में बात चल पड़े हमारे जी का बात पहुंच गई यदि महाराज तो लगभग आते ही थे कभी कभार नहीं आते बात अलग थी अब क्या करें तो महाराज जी को दिखाना था ऐसा नहीं है आप लोग जैसे सोच रहे हो ऐसा नहीं
एक तो क्या करने लग गए स्वामी जी, सबसे पहले स्वयं घंटी बजाने लग गए। लो भैया तू क्या करेगा, आरती का घंटी में खुद बजा रहा हूँ, बाद में तुम लोग आ रहे हो। और दूसरा क्या किए, अब गेहूँ की सफाई करते थे हम लोग, सब्जियां मने बांट ले करते, सेवा जो भी कोठारी कह देता सब मिलकर करते ही, आप लोग भी कर रहे हैं आजकल जैसे, हम लोग भी उस समय करते थे। अब किसी ने उठपटांग जो होते हैं तो महाराज जी तो करते हैं नहीं, और देव की मैं नहीं करती है, हम क्यों करें। फिर महाराज जी ने अष्टमी को कहा सब बोरिया उठा के लाओ यहाँ पे मंदिर में, यहाँ बैठ के महाराज जी गेहूँ बिन रहे, देवी की बता तुम भी आप वो भी बैठ गई सब गेहूँ। अब ब्रह्मज्ञानी कर रहे थे, हम क्यों ना करें, घुमा रहे बात कर देखो, ब्रह्मज्ञानी वो थे, हम भी ब्रह्मज्ञानी हैं, वो नहीं करते हम भी नहीं करेंगे, अब ब्रह्मज्ञानी कर रहे हैं इसलिए हम भी करेंगे। ऐसे मूर्खों की भी स्टोरी आ जाती कभी कभी, तो महाराज जी हंसते थे, मुस्कुराते कहते थे ठीक है ये हम लोगों के अहंकार की परीक्षा कर रहे हैं, ये भी ठीक है, यदि ये नहीं कहते तो हम करते नहीं। फिर होते तो हम का होता हमारे में मान तो मैं क्यों करूं, हो या ना हो सकता संभावना, अब इनके टोकने सेवा ने हमारे लिए कुछ नहीं, हम तो ये भी कर सकते वो भी कर सकते कुछ भी कर सकते, उसे कोई संबंध हमारे क्रिया से कर्तृत्व भोक्तृ संबंध ही नहीं है, इसे उसमें लज्जा क्या है कोई भी कर्म करने में। यदि समाज मांग रही है वो कार्य करने के लिए ठीक है करेंगे। तो पहली बार 1988 की बात है जो हुई थी, वो राम जन्मभूमि के मामले में तो बाराबंकी में एक मीटिंग मिशन पर बुलाए बुलाए महाराज जी कहे चर्चा कर रहे थे हम लोग सब बैठे थे ऐसे ही, तो कह रहे थे क्या करना चाहिए, इसमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, सब राजनीति है, मंदिर से कोई लक्ष्य नहीं है। महाराज जी को अच्छे तरह मालूम थे इनका लक्ष्य मंदिर बनाना है ही नहीं, ना ये बना सकते हैं ना कभी नहीं बना सकते, हमारे जी साफ कहते कभी बनाने बना ही नहीं सकते, बनाना इनको उद्देश्य नहीं है तो बनाएंगे क्यों, तो उद्देश्य बनाना ही नहीं, बनाना नहीं है बनाएंगे क्यों भाई, इनका उद्देश्य केवल राम के नाम पर अपना वोट बैंक बनाना, हिंदू वोट बैंक, और इसलिए हमारी सत्ता पाना है। तो विचार वर्ष इतने में फिर बाद अगला दिन, पहले दिन ये निश्चय हुआ हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग इन चीजों से दूर रहना चाहिए, जब मालूम है सब ऐसा है क्यों जाए। फिर जो है अगला दिन हम देखिए कौन से वहाँ उन्होंने सब घुमा दिया, फिर कि नहीं देखिए ये सब चीजें इसलिए छोड़ा गया, तो उस जमाने में शुरू में जान करके हिंदुओं के एकत्र सिद्धि के लिए, नहीं तो सोमनाथ को तोड़ दिए थे वहां भी मस्जिद थी, और कौन था गृह मंत्री पहले वाला पटेल जी, उन्होंने तोड़ दिए थे, इसको भी तोड़ने का उन्होंने प्रस्ताव रखा था, लेकिन उस समय क्या बुद्धि दी नेहरू को भगवान ने, भगवान अच्छा का बुद्धि दिया, बाकी सब बड़े उल्टा किया, इस बार मैंने उसने अच्छा काम किया, उसने कहा तुम अपने गुजरात में जो करने का हमारे यूपी में तुम छोड़ोगे नहीं रहने दो, वो हिंदू एकत्र के लिए भूमिका बना होगा, इधर से काशीनाथ मंदिर कभी उठेगा कभी कृष्ण का मंदिर उठेगा, बारम्बार एक मौका मिलेगा एकता के लिए, ये सर्व संप्रदाय से ऊपर उठ के सब एक हो गए थे, तो हम जी कहना हम हमारा उद्देश्य में मंदिर नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है, वहां पर कहे थे वामदेव जी मेरा भी उद्देश्य नहीं है, बने तो अच्छा है इस आंदोलन के बहाने, लेकिन हमारा उद्देश्य समय यह है जो दिखावा हिंदू समाज में उसको अपने एक करना चाहिए, इन्हीं से उद्देश्य हो सकती है हम लोग क्या सहयोग दें। महाराज जी के राम बंद कई बार समाज की मांग होती है, तो भले ब्रह्मज्ञान ही है आप कुछ भी हैं सब स्थित हैं, लेकिन फिर भी वो खींच के ले जाता पार कर अनिच्छन्न वाचने वाली बात बन जाती है, इसलिए यहां भी पूछ रहा है ये कदातरी ब्रह्मात्मनो प्रार्थनी क्यों नहीं है, तब कहता है ईश्वरत्वेन किं तस्य ब्रह्मेन्द्रत्वेन वा पुनः, कृष्णा चेत् सर्वतश्चिन्ना सर्वदैन्योद्भवा शुभा, कृष्णा चेत् सर्वतश्चिन्ना सर्वदैन्योद्भवा शुभा,
तो उनकी ईश्वरत्व से हमारा क्या लेन देन रह जाता है, उनके ब्रह्मेंद्रत्व आदि से भी हमारा क्या लेन देन है बताओ। तस्य ईश्वरत्व ना तस्य मैंने आत्मज्ञस्य, आत्मज्ञ के लिए ईश्वर के ईश्वरत्व से, ब्रह्म का ब्रह्मत्व से, इंद्र का इंद्रत्व आदि से किम पुनः भवती, किम फलम भवती, क्या फल प्राप्त होना है? क्यों सर्वतः कृष्णा छिन्ना चेत, सर्वतः कृष्णा ही नष्ट हो गई है, उसके लिए ईश्वरों से मुझे मिलना क्या रह गया? कोई मांग ही नहीं रह गई। सर्वजन उद्भवा अशुभात कृष्णा, कृष्णा का विशेषण है सब, कृष्णा कहते हैं सर्वदैन्य उद्भवा अशुभाच कृष्णा सर्वत छिन्ना चेत तस्य किम पुनः इति। जब सकल दैन्य भाव से उत्पन्न होती तृष्णा कब होती है? जब व्यक्ति अपना हर तरह से प्रयास करके थक जाता है, नहीं मिलता है, हे भगवान आ जाओ तो दे दे भैया, झोली फैला के खड़ा हो जाता है, अपने प्रयास पूरा करता है ना। हम देखते हमारे पास जो लोग आते हैं जिनके संतान नहीं होते ना, वैसे बहुत आते हैं ज्योतिष के कारण से, पहले अपना हर तरह से प्रयास कर लिए होते हैं, विज्ञान से भी, एलोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, तंत्र मंत्र सब प्रयोग करके आ जाते हैं, सात साल आठ आठ साल प्रयास कर चुके हैं और फिर आए हैं। तो हम यही कहते देखो अब हाथ हमारे सामने फैला रहे हैं, बाबाओं के पास आ रहे हैं, नहीं तो बाबा के लिए कुछ नहीं था, बाबा को कौन कुछ था, अब सोरे बाबा का आशीर्वाद हो सकता है कोई रास्ता? हम कहते हैं हमारे आशीर्वाद से नहीं होगा, बाबाओं का भी बाबा परम बाबा बैठा है, उसके आशीर्वाद से होगा, हमारे आशीर्वाद से क्या होना? तुम लोगों के लिए तो ईश्वर अभी बाकी है ना, इसे उस ईश्वर के शरण में तुम जाओगे नहीं कुछ नहीं मिलने वाला। हमारे लिए ईश्वर हो या ना हो, तुम्हारे लिए तो है, फिर ज्योतिष का दोनों का अनुष्ठान करने को बोलना पड़ता है, नाड़िया देखा जाता है, उसकी दवाई भी देनी पड़ती है, ब्रह्मचर्य पालन करने को कहना पड़ता है, बड़ा ड्रामा करना पड़ता है, तब तथा तो होती फिर उनका संतान हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि कितनी दैन्य भाव में आ जाते हैं, करोड़पति आदमी हाथ जोड़ता आकर, हम भगवान से क्या मतलब? अमिताभ बच्चन ने आदमी को भेजा, कैसे कैसे उन्हें पता लगा लेते हैं, बहुत ज्योतिष दिया होगा, अंत में यहां चक्कर काटे। हमने कहा नहीं हमारे पास आने की जरूरत नहीं, उसके आदमी को बोला तो उनको मत भेजो हमारे पास, अरे यहाँ आ जाएगा तो सब लोग देख लेंगे, कहीं तो बड़ा बबाल हो जाएगी, मेरे दिमाग खाएंगे सारी दुनिया, अरे आपके पास आते हैं वो, मेरे ये काम कराओ वो काम कराओ झंझट करेंगे, तो उसको मत लाओ, कुछ लिया भेज दो, देखे उपाय बता देंगे, बाकी भगवान की मर्जी। तो हो गई कन्या, आ गई, पुत्र चाहते थे, हमने कहा पुत्र हो न पुत्री, कॉमन ही डाल चालक ही कमी पड़ती मांगे चाहते, पुत्रो न पुत्री, वो सोचे पुत्र ही होगा न पुत्री, अरे तुमने गलत समझा, पुत्रो ना न केवल कॉमन डालो, पुत्रो ना पुत्री है वह कॉमन डालना भूल गए पंडित जी ने, युक्ति से मुक्ति उबारनी पड़ती मूर्खों के साथ। अरे ईश्वर की इच्छा है, हम क्या गारंटी देंगे तुम्हें पुत्र ही होगा, तुम्हारे भाग्य की बात नहीं। और कईयों के जुड़वे हो गए, लड़का लड़की दो दो इकट्ठे हो गए, जब डॉक्टरों ने बांझ कह दिया औरत को, पुरुषों के लिए नपुंसक हो ही नहीं सकता इस जन्म में, उनको जुड़वे हो गए एक साथ, अब ईश्वर की कृपा हो जाए तो क्या खास। इसलिए अज्ञानी उनके लिए ईश्वर है और ईश्वर की कृपा उन पर होती है, इसलिए जब तक हम लोगों को भी आत्मानुभूति नहीं है तब तक हम लोगों के लिए भी ईश्वर है, ब्रह्मा है, इंद्र है, सब है, सबका आरती पूजा पाठ करनी पड़ेगी। इसलिए पूजा मंदिर में कितना फोटो रखते हैं, यहाँ तो आश्रम में बहुत कम फोटो है, बल्कि अपने आश्रम में यहाँ बहुत कम फोटो है, आश्रमों में देखिए कई जगहों में तो पूरे दीवार चारों तरफ फोटो फोटो सब देवी देवता के। और द्वैतवादियों में भी ऐसे, हम लोगों के घरों में भी आप जाएंगे ना, बरांडे से अगर हॉल में और भगवान के मंदिर में तो पूछो ही मत,
चल दरवाजे के ऊपर नहीं होता, बाकी सब जगह होता है। प्रणाम करने परेशान नहीं होते, कहाँ से प्रणाम कर, जाए प्रणाम करते तो जाएगा उधर ही भगवान पर। तो कहते थे दीवार दरवाजे के पैर डाल के प्रणाम कर, उसके ऊपर फोटो नहीं रखेंगे। इसलिए ईश्वर मानना उचित नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ब्रह्म ज्ञानी का दृष्टिकोण से वो ईश्वर का भी आत्मा है ना, तथाकथित ईश्वर ब्रह्म इंद्र वगैरह हैं, उनका भी आप आत्मा हो गए, उनसे भी अभिन्न हो गए। अच्छा, आपका ईश्वर कोई नहीं रहा, क्योंकि बल्कि आप ईश्वर के ही आत्मा हो गए। अतएव तार अभेद के कारण से कहते हैं वह भेद रहा ही नहीं। और मुख्य कारण क्या है? तृष्णा। सर्वतेन उद्भवा, अशुभ तृष्णा का भाव हो जाने से भी फलाकांक्षा नहीं रहती है, फलापेक्षा से ईश्वर आदि से प्रार्थना की जाती है, वह तेव भी प्रार्थना संभव नहीं है, ईश्वर को मानने की जरूरत नहीं है, कह दिया। कथम तरी ब्रह्मात्म क्यों भवती, वो ब्रह्मात्म के कैसे होता है थोड़ा ही बताइए फिर, कैसे होता है वो? रसगुल्ला जैसे होता है ब्रह्मात्म भी जो है, रसगुल्ला जैसे होता है, भीतर बाहर सब तरफ मिठाई मीठा होता है, ऐसे भीतर बाहर ऊपर नीचे आगे पीछे सब क्या है? आत्मा ही है, ब्रह्म ही है। अहम मिथ्यात्म धीरिया च ममेत्यात्मीय धीरति, अर्थशून्य यदायस्य स आत्मज्ञो भवेत् तदा, अहम इत्याकर आत्मधी भी नहीं रहता, और मम इति आत्मीय धीरति अर्थशून्य यदा भवति, कोई भी प्रयोजन अर्थ में चतुर्थ पुरुषार्थ शून्य हो गया है, सर्व पुरुषार्थ शून्य होने के नाते यस्य आत्म इत्यात्म अहम इत्यात्म धीरया मम इति आत्मीय धीरति यस्य सब आत्मज्ञ भवेत् तदा, वह तब जाकर वह आत्मज्ञ माना जाता है। मैंने शास्त्र आचार्य का अनुग्रह से पदार्थ वेग के वजह से जिस काल में बुद्धिद्वय न प्रवर्तकम, बुद्धिद्वय प्रवर्तन नहीं होता, कौन सा बुद्धिद्वय? अहम इत्याकर आत्मधीर्या और मम इति आत्मधीरपि च, ये दोनों दोनों यदा प्रयोजन शून्य होने से प्रवृत्त नहीं होते, या तात्पर्य न पड़े प्रवृत्ति नहीं होती है, न जोड़ना पड़ेगा, अर्थ शून्य न प्रवृत्ति यदा, ये बुद्धियां प्रवृत्त होती नहीं है, क्यों? पुरुषार्थ शून्य हो गया है। यदा तदा स यस्य प्रति अर्थ शून्यत्वात् न प्रवर्तते तदा तस्य प्रति एव स एव आत्मज्ञ भवति। ठीक है, मैं ले लिया बुद्धि द्वयम् न प्रवर्तकम् है ना, तस्मिन् काले तस्य वाक्यात् यथोक्ता विद्या उदेतित्यर्थः, उसी के प्रति वह ब्रह्मास्म इत्यादि वाक्यों से यथोक्त विद्या उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि अर्थसत्व एकदार्श बुद्धिद्वय अहम मम बुद्धिद्वय प्रवृत्त होता है, अर्थाभाव ये दोनों बुद्धि की प्रवृत्ति नहीं होती है। यदि मंत्र श्लोक में कहीं भी न निषेध तरक कोई कथन नहीं है, लेकिन आक्षेप तरक वाक्य को लेनी पड़ेगी, तब अर्थ शून्य जोड़ दो अहम आत्मधीर व मम आत्मधीर अपनी कथम, ऐसा आक्षेप ले लो। अर्थ को ही ले सकते हैं, अर्थ मतलब फल है प्रवर्तन, उसे रहित हो गए, उसमें ना आ जाएगा अपने अर्थ शून्य में, पुरुषार्थ शून्य हो गया। नहीं, अर्थ का लेंगे जो दो बुद्धियों का अर्थ क्या है, फल क्या है प्रवर्तन पुरुष की, उसे रहित हो गई बुद्धियां, उससे रहित होने पर बुद्धि प्रवृत्त नहीं होगी, ये अर्थ कहां से निकालेंगे? नहीं, बुद्धियों का ये बुद्धि न प्रवर्तन का है ना। हाँ, नहीं, एक पहले देखो, दोनों देखो, पहले निर्विशेषता नहीं, यस्मिन काले पदार्थ वेगवतो यस्मिन काले बुद्धिद्वयम्, ये दोनों बुद्धिद्वयम् न प्रवर्तकम्, प्रवर्तन नहीं करते हैं, तो प्रवर्तन का अर्थ मान लेंगे बुद्धियों का, उस अर्थ रहित हो गई बुद्धि। हाँ, ऐसा ले सकते हैं, अर्थ रहित होने पर बुद्धि प्रवर्तक खत्म हो गया,
अर्थ शून्य अर्थ प्रवर्तकम न, ऐसा अर्थ ले सकते हैं। अर्थ का अर्थ हो गया प्रवर्तकत्व, अर्थ ही प्रवर्तक था, अर्थ अर्थ शून्य होने प्रवर्तक शून्य हो गया, प्रवर्तक रहित हो गया, प्रवर्तना रहित हो गई, ऐसा ले सकते हैं। अवस्था प्रवर्तकम तस्य तावत् वाक्यादेथोक्ता विद्या उदय इत्यर्थ, आज तक जो भवेत का अर्थ कर दिया वाक्यादेथोक्ता विद्या उदेती, अध्याहार कर लेते हैं कहीं पर शब्दावलियों का। यथोक्त ज्ञानोत्पत्ति अनंतरम ज्ञानवतो नास्ति कार्य शेषत्व, यथोक्त ज्ञान की उत्पत्ति के अनंतर ज्ञानवान को कार्य शेषत्व से फिर लौट गए नास्ति इत्याह, उस बात को और स्पष्ट कर दे रहे हैं। बुद्ध्यादो सत्युपाधौ च तथा सत्य विशेषता, यस्य चेदात्मनो ज्ञाता तस्य कार्यं कथं भवेत्। बुद्ध्यादो सति उपाधौ च तथा असति, बुद्ध्यादो उपाधौ सति जागृत स्वप्न और असति मैंने सुषुप्ति में अविशेषता, इसलिए विशेषता दिया समाप्त है। यस्य चेत आत्मनो ज्ञाता, जिसके अंदर यस्य आत्मनो ज्ञाता चेत, जो ऐसे आत्मा को जानने वाला होता है तो तस्य कार्यम कथम भवेत, उसमें जो है कार्य शेष कहाँ रह जाता है, कर्तव्य शेष कर्म शेष आदि कैसे रह जाएगा, नहीं रह जाता है। इसलिए कार्य शेष पहले से कर्म ले रहे थे, कार्य शेष कर कर्म शेष देखिए अवस्था द्वय बुद्ध्यादो उपाधो विद्यमान, अवस्था द्वय जागृत और स्वप्न, इसे बुद्धि आदि का विद्यमान होने पर सुषुप्त होते तस्मिन् असति और सुषुप्त बुद्धि आदि का न रहने पर, यस्य शास्त्राचार्य अनुगृहीत आत्मनो विशेषता वेदाश्चेत, अशास्त्र आचार्य से अनुगृहित होने से आत्म के निर्विशेष स्वरूप को जो यस्य वेदाश्चेत वेदश्चेत होना चाहिए, यस्य एक क्वेश्चन है ना, जिसने आत्मा के निर्विशेषता को जाना प्रमाणम इति, नहीं निर्विशेषता वेदाश्चेत प्रमाण ऐसे ले लो, जिसके लिए वेद ही प्रमाण इति, निश्चितता अवगतता तदा, ऐसा जो निश्चय कर लिया अवगत हो गया है यदा तस्य कृतार्थत्वात् न कथंचित कार्य संभवती, वह कृतार्थ होने से और किसी प्रकार से कार्य नहीं होता। आत्मदम नास्ति कार्य अवशेषता इत्यत्र हेतुन्द्रमा, आत्मवेत्ता को कार्य शेष नहीं है इसलिए एक और हेतु अंतर दे रहे हैं। प्रसन्ने विमले व्योमी प्रज्ञानैकरस्य द्वये, उत्पन्नात्म धियो भूत क्षिमन्यत् कार्य विष्यते, कहते प्रज्ञानैकरस्य द्वये व्योमनि प्रसन्ने विमले उत्पन्नात्म धियो, जिसके अंदर ऐसा आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया, कैसी आत्मा में आत्मज्ञान पैदा हो गया, कोई विशिष्ट उपाधि आदि से अशुद्ध आत्मा नहीं है, इसे कहते हैं विमले और प्रसन्न, आकाश सम दिव्य व्योमनी अर्थ सीधा हार्द ब्रह्म को भी लिया गया है चैत्र प्रसाद आदि में, प्रज्ञा नहीं कर से उसका विशेषण मान लेंगे, इसलिए व्योमनी ऐसा जो अद्वय है उत्पन्न आत्म दियो यह तस्य प्रति किम कारण विषते इति ब्रूतो ब्रूते, उसको भी कोई कार्य और बाकी करने की इच्छा है ऐसा आप कैसे कह सकते हैं, मैंने नहीं कह सकते। आगंतुक नैसर्गिक दोष रहित है, प्रसन्न और विमले क्यों कहा है, आगंतुक और नैसर्गिक, कुछ स्वाभाविक दोष होते हैं कुछ आगंतुक दोष होते हैं, दोनों प्रकार के दोष रहित है। व्योम अवध इन दृष्टांत में लिया, व्योम अवध निर्वयत्तादि लक्षण में, निर्वयत्तादि रूपालक्षण में चैतन्यता वन मात्र, चैतन्यता वन मात्र केवल चैतन्य मात्र रूप है, कार्य कारण विभाग शून्य, कार्य कारण विभाग शून्य है, ब्रह्मणि अहम अस्मिति उत्पन्न ज्ञान से ब्रह्म में मैं हूँ ऐसे उत्पन्न ज्ञान वाले के प्रति न कार्यम अवशिष्टमस्ति उक्ता कार्य शेषता, इसीलिए जो है
उत्पन्न ज्ञान वाले में कार्य अवशिष्ट न होने से अयुक्ता कार्य शेषता, इसलिए उसके प्रति कार्य शेषता कथन करना अयुक्त होता है। ठीक है ननु आत्मविदोपि श्रेयो अवाप्ति प्रतिबंधक से शत्रु कहते ऐसा है। ठीक है वो आत्मवेत्ता है, लेकिन उस आत्मवेत्ता को कभी कोई शत्रु हो सकता है? आत्मवेत्ता का भी शत्रु हो सकता है, ऐसे पूर्व पक्षी कहते हैं। विशेष में ऐसा शत्रु जो आपकी श्रेय प्राप्ति में प्रतिबंधक, कहते आत्मवेत्ता है फिर श्रेय प्राप्ति कहाँ रह गया? श्रेय जो प्राप्त कर रही है वो तो आत्मवेत्ता है ना। देखो पूर्व पक्ष पूछता है ऐसा है, एक कर्तव्य कहते आत्मवेत्ता है आप, फिर अब आपकी श्रेय प्राप्ति में प्रतिबंधक कोई शत्रु हो सकता है? कल्पना कर रहा है ना, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं आत्मवेत्ता हूँ फिर आप श्रेय प्राप्ति करना शेष कहाँ रह गया? सब बात तब परिहार अर्थम किंचित अनुष्ठान, उसके परिहार करने के लिए कुछ नहीं तो बजरंग बाण पाठ करना चाहिए उसको, है ना, शत्रुनाश हो जाए। इति चेन न इत्याह बत ऐसे मत कहो भाई। आत्मानमिति आत्मानम सर्वभूतस्थम अमित्रम चात्मनोपिय पश्यन् निच्छत्यसो नूनं शीतीकर्तुं विभावसम्। जैसे कोई सूर्य को ठंडा करने के लिए प्रयास नहीं करता, इसलिए अपना कोई शत्रु रूपेण भाषित भी हो जावे उसे मिटाने की कोई प्रयास नहीं करेगा। उस आत्मज्ञानी को प्रारब्धवशात शरीर है मान भी लिया जाए, और शरीर के में रहते वक्त उसको प्रारब्धवशात अपना कोई शत्रु करके भाषित भी हो जाए तो भी शत्रु को मिटाने के लिए प्रयास क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसका भी आत्मा महीन हो। तथा आत्मनोपि अमित्रम, आत्मा का जो अमित्र मेरे शत्रु, उसको जो सर्वोत्तम आत्मानम यह क्वेश्चन, सकल भूतस्थ आत्मा अपने आप को जो अनुभव कर रहा है अपने मित्र का भी आत्मा मई हूँ ऐसे जानेगा कि नहीं जानेगा? अपने मित्र का भी आत्मा मई हूँ तो मारूंगा कैसे? मैं अपने आप को मारूंगा क्या? उसका भी आत्मा मई हूँ, इसे इच्छत असो नूनम इच्छत मैंने अवश्य में वह नई क्षति किया। यथा सूर्य को कोई ठंडा करने के लिए प्रयास नहीं करता, इसी प्रकार ऐसे अमित्र करके भाषित भी हो जावे तो भी उसको मारने आदि या निवृत्त करने की इच्छा ही नहीं करेगा तो कर्म क्या करेगा? जब इच्छा ही नहीं जाएगी कुछ करने की, उसको मिटाने या उसको दबाने है कि नहीं, या किसी प्रकार का भी व्यवहार करने की इच्छा ही जब नहीं हो रही है तो उसके लिए कोई अनुष्ठान क्यों करेगा? अर्थात नहीं करेगा। यथा रवे उष्म स्वभाव से शीतीकरण अशक्य, जैसे सूर्य है उष्म स्वभाव वाला है उसको तो ठंडा करने का हम लोग प्रयास नहीं करते ना, ऐसे क्या करते? कमरे को ठंडा करने का प्रयास करते, कमरे में कूलर लगा देंगे एसी लगा देंगे नहीं, और एक सब साधन है तो क्या करें? सब कुछ लगाने के बाद भी बिजली नहीं है तो अभी क्या करेगा? अभी चटाई डालता है, गीला करता है, प्रयास करता है अपने हिसाब से ठंडा करने के। कहीं सूर्य को ठंडा करें हम ऐसा कोई प्रयास कभी नहीं करें। आत्मज्ञान है प्रागर शरीर है उसको भाषित कर रहे शत्रु कभी तो उसके लिए कुछ प्रयास नहीं करता, बल्कि अपने के अंदर शत्रु भाव की भी वृत्ति चल रही है तो उस वृत्ति को मिटाने का प्रयास, अपने आत्मा भाव की वृत्ति जो ब्रह्माकार वृत्ति में के प्रयास करेगा और आने वाले शत्रु भाव आदि वृत्तियों को तत्काल ही विवेक से नष्ट करने का प्रयास। इसलिए कर्माधिकार तब भी नहीं बनते। रविष्मोत्र स्वभाव से शीतीकरण अशक्यं तथा निर्विशेष ब्रह्मत्विदोपि मित्र मित्र दर्शन अयोगा, ये तो सबसे पहले मित्र अमित्र दर्शन का योग ही नहीं बनता, सबको अपना ही मान रहा मैं ही ये सब हूँ तो मित्र अमित्र का विभाग कार्य है उसके लिए। नानुष्ठान शेष उपपत्ति अनुष्ठान शेषादि की उपपत्ति ही बनती नहीं है, ये तात्पर्य।